आप देख सकते हो कोहरे की वजह से जो ट्रेनें हैं वो भी बहुत ही धीमी गति से चल रही है, धीमी गति से रेंगते हुए जो ट्रेनें हैं वो चल रही है। और सुबह के वक्त चारों ओर 8 बजे सभी जो घर है वो एकदम बंद है। आप ये भी देख सकते हो बहुत कम लोग हैं जो घरों से इस तरह से दुबके दुबके बाहर निकलते हैं, कुछ काम होता है तो, और वो भी ओढ़ के बाहर निकलते हैं, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गोड़। आप देख रहे हैं मेरे पीछे नगर सेठ चार भुजानाथ का मंदिर है और उसका गुंबज रोजाना दिखाई देता है जो आज अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह है घना कोहरा। आज इस सर्दी की सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है और कोहरा भी इतना घना है कि विजिबिलिटी मात्र 50 से 100 मीटर के आसपास रही होगी। इस वक्त हम शहरी क्षेत्र में मौजूद हैं। आप शहरी क्षेत्र के हालात देख सकते हो, चारों ओर किस तरह से घना कोहरा छाया है। तो यह है कोहरे का अद्भुत नज़ारा, आप इस नज़ारे को निहार सकते हो। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि सर्दी की सीजन में घने कोहरे की शुरुआत धनतेरस से हुई थी। धनतेरस को पहला कोहरा छाया था और वो एकदम घना कोहरा था, मगर आज जो कोहरा छाया है वो सबसे अब तक का खतरनाक और घना कोहरा है। इस कोहरे में विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर से भी कम रह गई है। हम आपको बता दें धनतेरस के 6 दिन बाद फिर कोहरा छाया था और अभी पिछले 3 दिनों से कोहरा छा रहा है और आज 4th दिन घना कोहरा छाया। आप देख सकते हैं हेडलाइट्स ऑन करके जो भी है कोचे वगैरह निकल रही है, वाहन जो है रेंगते हुए निकल रहे हैं और घने कोहरे की आगोश में पूरा मेड़ता शहर, पूरा इलाका डूबा हुआ है। अभी हाईवे है और इस हाईवे पर आप देख सकते हो किस तरह से विजिबिलिटी है, घना कोहरा छाया हुआ है। यह इस सर्दी की सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है। हम आपको बता दें कि इस सर्दी की सीजन का यह 6th घना कोहरा है। यह कोहरे का नज़ारा है नेशनल हाईवे 58 जो कि अजमेर से नागौर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं सुबह विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर भी नहीं रह गई है और हाईवे पर चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आसपास का नज़ारा आप देख सकते हो हाईवे के, और हाईवे के हालात आप इस तरह के हैं जो देख सकते हैं। इस सर्दी का सबसे घना कोहरा भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि विजिबिलिटी अब यहाँ पे देखिए, इधर से एक रोड है जो मिलती है, रोड क्रॉस करती है, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर कोई व्हीकल्स है जो फुल स्पीड में आए तो उसे, ये देखिए आप जो बाइक लेकर आ रहे हैं ये रोड मिलती है, लेकिन दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त हम मेड़ता क्षेत्र के रेण रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आप देख सकते हो पूरा रेलवे स्टेशन किस तरह से कोहरे की आगोश से लिपटा हुआ है और जो भी पैसेंजर्स यहाँ पहुँच रहे हैं वो गर्म जो ऊनी वस्त्र है वो पहन कर पहुँच रहे हैं। और पूरा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो प्लेटफार्म पर किस तरह से जो है पटरियाँ जो है 50 से 100 मीटर के आगे दिखाई नहीं दे रही है। कोहरे की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। जो ट्रेनें हैं वो 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जोधपुर जाने वाली जो ट्रेन है या दिल्ली सराय रोहिला, वो भी अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची है। और रेलवे स्टेशन का आप नज़ारा देख सकते हैं, पूरा ट्रैक जो है कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और किस्सों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।